हमारे फैमिली मैटर्स में बोलने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, और मैं बनारस छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। एंड दैट्स फाइनल। लेकिन पुलकित, सुप्रिया ने तो हाँ कह दिया है। ठीक है, जैसे इसकी मर्जी। वैसे भी सुप्रिया के लिए लंदन ही सही जगह है। नए दोस्त बनेंगे, दिन भर घूमेगी फिरेगी, पार्टीज करेगी, शौक से ले जाओ इसे अपने साथ। लेकिन मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। ये क्या बात हुई पुलकित? सुप्रिया और तुम पति पत्नी हो, तुम दोनों अलग अलग कैसे रह सकते हो? आप ही तो डैड को छोड़कर चली गई थी। जब वो इतने साल आपके बिना रह सकते हैं, मैं भी रह सकता हूं। और रही बात सुप्रिया की, तो इसके यहां होने से भी कौन सा साथ मिल जाता है मुझे, जो उसके जाने से फर्क पड़ जाएगा। जिसको जहां जाना है जाए, मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। पुलकित भैया, पुलकित सुन तो, पुलकित भैया, कुछ नहीं हुआ, मैं बात करता हूं। सागर रहने दो, बाद में बात करेंगे उससे। सुप्रिया, किसका फोन आ रहा है बार बार? माँ पता नहीं, अननोन नंबर है इसलिए आंसर नहीं कर रही हूँ। उठा लो, हो सकता है कोई जरूरी काम हो। ठीक है। हेलो, मिसेज सुप्रिया चतुर्वेदी जी, मैसेज चेक कर लीजिएगा, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो भेज रहा हूँ। पर आप बोल कौन रहे हैं? हेलो, क्या हुआ? अजीब आदमी है, अपना नाम वगैरह कुछ बताया नहीं और बोल रहा है कि कोई वीडियो मैसेज भेज रहा हूँ। मैं तो उसकी आवाज भी नहीं पहचानती और नंबर भी जाना पहचाना नहीं था। लगता है किसी ने मजाक किया होगा। लेकिन ऐसा मजाक कोई क्यों करेगा? भाभी वो नंबर मुझे दीजिए, मैं बात करता हूँ। मैसेज आया है। अरे बुड़बक, हम अंग्रेज थोड़े ही ना, जो अंग्रेजी पियेंगे, हम तो देसी है, देसी पियेंगे। ले, तेरे लिए भी है, आज मैं देसी नहीं पी सकता। मुझे जब मैं देसी पीता हूँ तो मुझे फूड पॉइजनिंग हो जाती है। I'm sorry. अरे तेरी छोटू, अरे शाम। यस सर। तो कुछ लोग मिलने आने वाले थे, मुझे पहुंचे नहीं पता। अभी तक तो कोई नहीं आया सर। अच्छा ठीक है। हेलो हेलो, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो सच धस के? अरे किसी दूर के रिश्तेदार की शादी में जा रहे हैं। अरे वाह चाचा, तुम्हें भी शादी के जाने का शौक है? शादी में केवल दुल्हन देखने का शौक है बेटे, ताकि ये पता लग जाए
किसके मोबाइल में नया सिम डल रहा है और किसकी बैटरी लो होने वाली है। देश की महान गायिका कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के पिता श्री राजाराम गायकवाड़ के सम्मान में इस पुरस्कार की शुरुआत हो रही है। श्री राजाराम गायकवाड़ ही वो व्यक्ति थे जिनसे उनकी दोनों बेटियां कल्याणी और केतकी ने संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। महान कलाकार श्री राजाराम गायकवाड़ का आभार पूरा देश मानता है, जिनकी वजह से इस देश को कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री के रूप में दो अमूल्य गायिकाएं मिली। पहले राजाराम गायकवाड़ संगीत सम्मान से खुद कल्याणी गायकवाड़ और केतकी मिस्त्री को सम्मानित किया जाएगा।